भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी आज सहारनपुर पहुंचे हुए हैं और सहारनपुर में आज वोटर चेतना अभियान की शुरुआत की गई थी। बात कर लेते हैं सर, सर वोटर चेतना अभियान शुरुआत की गई थी, सर आप क्या कहेंगे सर इस पर? इलेक्शन कमीशन हर वर्ष मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अभियान चलाता है, जिसमें नए वोट बनना, जो लोग कहीं शिफ्ट कर गए अपने मूल स्थान से, उन वोटों को काटने का काम, ये लगातार एक अभियान चलता है। और भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान में हमेशा भाग लेती है और हम लोगों ने पूरी तैयारी की है बूथ स्तर पर, और हमारी बैठक करके मतदाता सूची हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे उसे, और जो जो लोग मतदाता बनने से छूटे हैं उन सबको इस अभियान में मतदाता बनने का अवसर प्रदान करेंगे। अखिलेश यादव सर देवरिया गए हैं सर, लगातार लग रहा है कि जैसे युद्ध स्थल बना दिया होगा देवरिया को पूरा यूपी की राजनीति का। हमारी पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ है, हमारी पूरी संवेदना उन परिवारों के साथ है, और हमारे लिए सबके लिए इस प्रकार की घटनाएं होना एक दुखद है, लेकिन सरकार हमारी संकल्पित है, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है बगैर किसी भेदभाव के कार्रवाई सरकार कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को किस तरह देखते हैं, जो नया बयान दिया उन्होंने? अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार देश के बहुसंख्यकों का अपमान कर रहे हैं, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारे महात्माओं धर्मगुरुओं के बारे में वो अनावश्यक टिप्पणी करते रहे, अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। अब ये अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए, वो भी मठ मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं, तो क्या स्वामी प्रसाद जी के बयानों के साथ हैं वो? और निश्चित रूप से उन्हें अब ऐसा नहीं चलेगा, उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी का अधिकृत स्टैंड क्या है इसमें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बोलते हैं, क्या समाजवादी पार्टी पूरी उससे सहमत है? और सहमत है तो ये जो जब दरबारों में हाजिरी लगवा रहे हैं तो क्या ये अब पौंगापंथी नहीं चलेगी अभी? सर एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर एक लगातार बातचीत चल रही थी, संजीव बालाजी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद अब संगीत सोम जी उसके विरोध में आ गए। किन्हीं लोगों के अपने निजी मत हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई विचार नहीं है हमारी पार्टी का, और हम लोग हमारा एक जरूर है कि राज्य पुनर्गठन हो और उसके अनुशंसा के हिसाब से आयोग का गठन हो, कुछ अगर अनुशंसा के हिसाब से रिपोर्ट आती है तो सरकार देखे उसमें, लेकिन ये उनके इस प्रकार के बयान निजी हैं, पार्टी का इससे कोई लेना देना। इंडिया गठबंधन में से कहीं ना कहीं राह नजर आ रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी सूची जारी कर दी समाजवादी पार्टी ने, क्या कहेंगे आप? ये केंद्र में इनका हमारे खिलाफ लड़ेंगे, राज्यों में अलग अलग लड़ेंगे, तो ये चरित्र इनका दर्शाता है। और आपने देखा होगा जितने भी गठबंधन हुए हैं उस गठबंधनों में या उन मिली जुली सरकारों में उन्हें समाप्त करने का काम कांग्रेस ने किया, चाहे 70 में सरकार बनी हो, सरकार जनता पार्टी की सरकार को गिराने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही, 89 में सरकार रही तो चंद्रशेखर जी की, बीपी सिंह जी की सरकार गिराने में, बाद में एसडी देवगौड़ा की, इंद्र कुमार गुजराल की, सबकी सरकारें बहुत कम समय में काम करने के बाद सरकार गिराने का काम और सरकार अनिश्चितता का माहौल पैदा करके देश में ये कांग्रेस अपना एजेंडा सेट करना चाहती है, लेकिन सब लोग जानते हैं, जनता सब जानती है और सारा देश मोदी जी के और प्रदेश योगी जी के साथ है। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, जो आज सहारनपुर यहाँ पर पहुँचे थे और जो तमाम जो मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, उन पर इन्होंने हमारे साथ बातचीत की और साथ ही जो गठबंधन को लेकर जो चीज़ें सामने आती उस पर भी इन्होंने निशाना साधा। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।